और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, ट्रैक एंड टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे अभी तक पूछते हैं, आए हुए हैं बहुत सालों से कि भाई मैं स्मार्टफोन की जो बैटरी चार्ज करता हूँ वो ओवरनाइट चार्ज कर सकता हूँ क्या, क्या ये सेफ है, अगर मैं चार्ज करता हूँ तो 100% तक होनी चाहिए या नहीं, बैटरी कितनी जल्दी ख़राब होगी अगर मैं ओवरनाइट चार्ज करूँगा तो, कुछ नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं होता है अगर रात भर आप बैटरी चार्ज करेंगे तो। इन सब सवालों के जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आप बैटरी की लाइफ जो है वो आगे और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान लेना पड़ेगा, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। तो क्या आपने रात भर आपका स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए रखना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले एक बात बोल दूं, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है, आपका आपकी जो बैटरी है वो शॉर्ट टर्म में खराब नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक स्मार्टफोन चार्ज कर रहे होते हैं उसका जो सॉफ्टवेयर होता है बैटरी 100% चार्ज होने के बाद वो रोक देता है, वो बैटरी आगे चार्ज नहीं करता है। इसका मतलब ओवर चार्ज, बैटरी ऊपर चार्ज नहीं होती है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होती है, 100% तक ही रहती है। लेकिन दोस्तों एक बात सॉफ्टवेयर नहीं कर सकती, ओवर हीटिंग। जी हाँ, जब आप चार्ज करने को रखते हैं स्मार्टफोन को, आपने देखा होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो गर्म हो जाता है, बैटरी गर्म हो जाती है और उसे ओवरहीटिंग कहते हैं। ये जब ओवरहीटिंग होता है वो बहुत ही डैमेज करता है आपके स्मार्टफोन के बैटरी को। जब आप रात भर रखते हैं तो ओवरहीटिंग होता है, आपका जो बैटरी है वो 100% चार्ज पे रुक जाता है लेकिन ओवरहीटिंग नहीं रुकता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब आप रात को चार्ज करते हैं, आप आपके पिलो के नीचे रखते हैं या फिर आपके चद्दर के नीचे होता है फोन, ये सब चीज़ें और भी हीट करती है। क्या आपको पता है कि जब बैटरी ओवरहीट होती है कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। जी हाँ, और ये बैटरी यूनिवर्सिटी नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो बैटरीज पे रिसर्च करती है, उन्होंने एक पेपर निकाला है, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी बैटरी कंटिन्यूसली 40 डिग्रीज टेम्परेचर पे रहेगी और रात भर रहेगी एक साल तक, अगर ऐसे हुआ तो आपके बैटरी की कैपेसिटी 65% तक आ जाएगी। इसका मतलब दोस्तों जब बैटरी नई है वो अगर आपको 100 घंटे का स्टैंड बाय टाइम दे रही है तो एक साल के बाद ओवरहीटिंग की वजह से वो देगी सिर्फ 65 आवर्स। जी हाँ, 65% कैपेसिटी रह जाएगी। दूसरे साल भी अगर वो ओवरहीट हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी 30% से भी कम। जी हाँ, इसका मतलब आप रात भर रखेंगे 100% से ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं होगा लेकिन हीट की वजह से आपकी बैटरी जो है वो ख़राब होगी, जल्दी डैमेज होगी। तो फिर आपने क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात, जो बैटरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है वो वाइट पेपर है, उन्होंने कहा है कि आपने बैटरी को 40% से लेके 80% तक उसके बीच में चार्ज करना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों छोटे छोटे रिचार्जेस करने चाहिए। जी हाँ, जैसे दोपहर को एक घंटा कर दिया और रख दिया, 40% से 70-80% तक पहुंच गया, बहुत हो गया। इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो 95% से भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी एक साल के बाद। तो अगर आपके बैटरी को आपको रिस्टोर करना है, उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो छोटे छोटे चार्जेस कीजिए, अराउंड एक घंटा, आधा घंटा, दिन में 2 या 3 बार भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बैटरी की लाइफ, आपके यानी आपके स्मार्टफोन के बैटरी की लाइफ बढ़ेगी इसकी वजह से। तो दोस्तों ये मैं समराइज कर दूं, सबसे पहले ओवरनाइट चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाथ बार आपने किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलरली छोटे छोटे चार्जेस कीजिए। दूसरी बात, आप जब बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो किसी के नीचे मत, पिलो के नीचे, चादर के नीचे ऐसे मत रखिए, अगर पॉसिबल होगा तो आपके बैटरी का कवर जो होता है, बैक केस होता है, वो भी निकालिए, मतलब जो हीटिंग होता है ओवरऑल फोन का वो डिस्पर्स हो जाएगा, बैटरी का टेम्परेचर घटेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फाइनली, जैसे मैंने कहा, आपकी जो बैटरी होनी चाहिए वो 40% से 80% इसके बीच में अगर होगी तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों यही था हमारा बैटरी के ऊपर का बैटरी 101। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के बैटरी के बारे में सवाल थे जो जवाब मैंने सब दे दिए आपको इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, #AskAruna का इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि भाई बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।